हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रांची यूनिवर्सिटी का पीजी का सेमेस्टर 4 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जिसका सेशन है 2020-22। तो चलिए इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि 2022 में जो क्वेश्चन आए हुए थे सेमेस्टर 4 में इंग्लिश में। ओके, तो ग्रुप ए में आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रुप में कहा गया है कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट का ए नंबर है, नेम द 3 सिवलिंग्स इन द नोवल वॉइस इन द सिटी। वॉइस इन द सिटी, ये जो नोवल है, इस नोवल में 3 भाई बहन कौन कौन रहते हैं, उनके नाम आपको बताना है। बी नंबर में, वेन वॉज द नोवल अनटचेबल बाय मुल्क राज आनंद पब्लिश्ड। अनटचेबल जो नोवेल्स हैं वो मुल्क राज आनंद के द्वारा कब पब्लिश्ड करवाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर है, नेम द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नोवल द सर्पेंट एंड द रॉप। द सर्पेंट एंड द रॉप, ये जो नोवल है, इस नोवल में मुख्य पात्र के रूप में कौन है, उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर है, व्हाट इज रुक्मणीज डॉटर्स नेम इन द नेक्टर इन ए शिप। नेक्टर इन ए शिप, इस टॉपिक में रुक्मणी की बेटी का क्या नाम रहता है, उसका नाम इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर है और ये 5वां क्वेश्चन है, फ्रॉम ए साइन पेंटर व्हाट डज मोहन विश्वास इवेंचुअली बिकम। जो पेंटिंग करने वाला था साइन पेंटर, वो मोहन विश्वास का अंततः क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 5 क्वेश्चन एक एक नंबर का था। ओके, अब नेक्स्ट में है सेकंड नंबर, आंसर एनी वन ऑफ दिस। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, इसमें से एक का आंसर आपको करना है और उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो सेकंड का ए नंबर है, एक्सप्लेन ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द सर्पेंट एंड द रॉब। और इसी के बी नंबर में है, राइट ए नोट ऑन द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन सॉरी ऑफ इंडिया अगेंस्ट विच द नोवल अनटचेबल हैज़ बिन रिटन। तो दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर करना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं ग्रुप 2 में, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी क्वेश्चन अब आगे दिए गए हैं उसमें से आपको 4 का उत्तर करना है, 4 का उत्तर लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे, प्रत्येक आंसर के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए थर्ड नंबर है, इन द नोवल पेंटर ऑफ साइन आर के नारायण हैज़ ट्राई टू शो दैट मैरिज इज नाइदर नेसेसरी नॉर ए कंपल्सन फॉर मॉडर्न वीमेन डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, इन द नोवल वॉयस इन द सिटी शो हाउ चेंज फ्रॉम ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ टू ए मॉडर्न मेट्रोपोलिटियन आउटलुक इम्पैक्ट्स द लाइव्स ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर है, डिस्कस द रोल ऑफ द तुलसी फैमिली इन द डेवलपमेंट ऑफ मोहन विश्वास कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर है, हाउ डज राजा राव इनकॉर्पोरेट द वेडनिटिक फिलोसफी इन द नोवल द सर्पेंट एंड द रॉब। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर है, हाउ डज अटिया हसन सो द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन सोसाइटी इन द नोवल सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम। और लास्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है, डिस्कस द थीम ऑफ अमिताभ घोष शेडो लाइन। यहाँ पे फाइन लिखा है तो फाइन नहीं होगा, शेडो लाइन होगा, एंड कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। टोटल 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन में आपको 4 का आंसर करना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक आंसर के लिए। ओके, इसी तरीके से सेक्शन बी है, इसके भी आप एक एक करके सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, और ताकि आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल सके कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो किस किस टाइप के आए थे, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो शायद आपको एग्जामिनेशन में मदद हो सकेगा। थैंक यू।